दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आप लोग देख रहे हो एक्सप्लोरर विशाल और आपका दोस्त आपका होस्ट मैं विशाल। आज आपको बोलने जा रहा हूँ ऐसे पांच लाइफ चेंजिंग स्किल दैट इज जस्ट गोइंग टू हेल्प यू आउट टू गेट योर ड्रीम जॉब और करियर। अगर आपका कोई ड्रीम जॉब है, अगर आपका कोई ड्रीम करियर है, अगर आपको ऐसा लग रहा है दैट इज जस्ट इम्पॉसिबल टू गेट, सो गाइज दिस वीडियो इज ओनली फॉर यू। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा ऐसे पांच सीक्रेट स्किल जो है आपको जो चेंज कर देगा पूरा आपका सिनेरियो अबाउट योर करियर। यस गाइज, ये जो इंटायर इन्फॉर्मेशन दैट आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट, ये मैं किसी गूगल से और किसी बुक से कलेक्ट नहीं किया हूँ। आई हैव सीन अ आर्टिकल जस्ट फ्यू डेज बैक, वहाँ पर जो एप्पल है, गूगल है, जस्ट माइक्रोसॉफ्ट है, दुनिया का ऐसे बड़े बड़े जो कंपनी है लाइक टेस्ला एंड ऑल दिस कंपनीज, वहाँ पर जो रिक्रूटमेंट होता है एट द टाइम ऑफ द रिक्रूटमेंट एचआर डिपार्टमेंट कौन कौन सा स्किल ढूंढते हैं इन द कैंडिडेट्स। ऐसे में पांच स्किल के बारे में आज आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। होप सो ये पांच स्किल वंस यू इम्प्रूव इन योर लाइफ यू कैन गेट योर ड्रीम जॉब और योर ड्रीम करियर। सो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जस्ट लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एज सून एज पॉसिबल। सो दोस्तों विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। दोस्तों अगर आप चाहते हो एक स्मार्ट करियर बनाना तो पहले आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा इन योर फर्स्ट स्किल एंड द फर्स्ट स्किल इज योर कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल के मतलब आप कैसे बात कर रहे हो। इन द एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल आई एम नॉट टेलिंग दैट यू हैव टू स्पीक वेरी गुड इंग्लिश, बट अगर आप जिस भाषा में ही बात कर रहे हो दैट मे बी गुजराती, दैट मे बी मराठी, दैट मे बी बंगाली, वट एवर द लैंग्वेज इज, यू हैव टू बी वेरी मच वेल कम्युनिकेटिव। कम्युनिकेशंस का मतलब आप कितने अच्छे तरह से आपका जो सोच, आपका थॉट कैसे आप रिप्रेजेंट कर रहे हो टू योर अपोजिट पर्सन। अगर सोचिए, अगर मैं बात कर रहा हूँ, मेरा बात करने तरीका, बात करने का तरीका इज नॉट सो स्मार्ट, अगर मैं बात कर रहा हूँ थोड़ा सा रुक रुक कर, मेरा फ्लो ठीक ठाक नहीं होगा, क्या आप ये वीडियो देखना पसंद करोगे? यू विल स्किप इट। यस गाइज, ऑल्सो यू हैव टू इम्प्रूव योर बॉडी लैंग्वेज वाइल यू आर इम्प्रूविंग योर कम्युनिकेशन स्किल। क्योंकि गाइज आपका कम्युनिकेशन स्किल है दो टाइप ऑफ, एक है वर्बल, एक होता है नॉन वर्बल। वर्बल का मतलब दैट थिंग्स वी आर कम्युनिकेटिंग, हम लोग का जो वर्ड्स है, शब्द है, अंडर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज योर बॉडी लैंग्वेज। यहाँ पर देखिए, जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ आई एम यूजिंग माई हैंड, आई एम यूजिंग योर माई आई एक्सप्रेशन, ऑल्सो आई एम यूजिंग माई बॉडी लैंग्वेज ऑल्सो। सो दोस्तों अगर आप अच्छी तरह से बात नहीं कर सकते हो, आप कैसे डील करोगे विथ योर क्लाइंट, आप कैसे कन्विंस कर सकते हो योर कस्टमर्स? यू कान डू नॉट इवन अ सिंगल गुड जॉब, यू कान गेट अ सिंगल गुड प्रोफाइल करियर इफ यू डोंट हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल। सो गाइज, पांच लाइफ चेंजिंग स्किल के जो पहला मंत्र है, पहला सीक्रेट है, यू हैव टू बूस्ट अप योर कम्युनिकेशन स्किल। और कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, मिरर के सामने खड़े होकर कोई भी टॉपिक ले लीजिए, टॉपिक के ऊपर 5 से 10 लाइन बोलिए कॉन्फिडेंट के संग एंड यूज योर एटीट्यूड। पूरा बॉडी लैंग्वेज को इस्तेमाल करना है, फ्लो में बात करना है। ऐसा अगर हर रोज एक एक टॉपिक के ऊपर आप अगर आप प्रैक्टिस करोगे, ट्रस्ट मी गाइस, यू विल गेट द चेंज वेरी सून। फ्रेंड्स, सेकेंड इंपॉर्टेंट लाइफ चेंजिंग स्किल है योर पीआर स्किल। पीआर का मतलब पब्लिक रिलेशनशिप। अभी जो भी काम होता है दुनिया में, बड़े बड़े प्रोजेक्ट में जो काम होता है, दैट इज डन इन अ ग्रुप, इट्स अ ग्रुप टीम वर्क। अगर ग्रुप में अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं हो, आप कोई बड़ा काम नहीं कर सकते हो गाइज, बिकॉज बड़ा काम के लिए चाहिए बड़ा टीम। और आपका रैपो, आपका कनेक्शन कैसा है आपके टीम के साथ, ये भी देखा जाता है। अगर इफ यू आर नॉट फ्लेक्सिबल विद द टीम वर्क, यू ओंट बी काउंटेड एज अ गुड एम्प्लॉय। सपोज मान लीजिए एक कंपनी 20 नए कैंडिडेट को नौकरी दिया खुद का कंपनी में, सपोज आफ्टर कुछ सालों के बाद 20 बंदे के अंदर कोई 2 से 3 स्टाफ्स गॉट द प्रमोशन एंड दे हैव बिकम द मैनेजर। कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? क्यों 20 कैंडिडेट ज्वाइन किए कंपनी में बट आउट ऑफ 20 2 और 3 को ही प्रमोशन मिला है? गाइस, बिकॉज वो 2-3 बंदे का पीआर स्किल बहुत ही ताकतवर था, बहुत ही स्मार्ट था, उन लोगों के साथ गुड रैपो था विथ ऑल पीपल, फ्रॉम लिफ्ट मैन टू पियोन, पियोन से विथ द ऑफिस बॉस, हर सभी के साथ उन लोगों का एक गुड कनेक्शन, बॉन्डिंग है। तो इससे क्या होता है, जब
कोई भी टाइम में प्रमोशन का टाइम आता है, आपका पीआर अगर अच्छा है विद योर हायर अथॉरिटी विद योर सबऑर्डिनेट्स, तो क्या होता है आप जल्दी से प्रमोशन के लिए रिकमेंडेशन मिल जाता है एंड यू गेट द सपोर्ट फ्रॉम योर टीम। सो गाइज, अगर आप चाहते हो आपका ड्रीम जॉब ड्रीम करियर को सक्सेसफुल बनाना, सो आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा योर पीआर स्किल। दोस्तों, थर्ड इंपॉर्टेंट स्किल है मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल स्किल। क्या है ये मैनेजमेंट स्किल, क्या है ये ऑर्गेनाइजेशन स्किल? इसका मतलब है आप जो भी काम करो, बड़ा काम करो छोटा काम करो जैसे भी करो, उसका ऑर्गेनाइज तरीके से करो, ठीक तरह से करो। आप सब कुछ कर रहे हो बट इट इज़ नॉट द ऑर्गेनाइज्ड मोड, आप सब कुछ कर रहे हो बट इट इज़ नॉट इन अ गुड मैनेज्ड मैनर। सो अगर सब कुछ कर रहे हो बट इट इज़ नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड, सो आपका काम नहीं बनेगा, यू वोंट बी अप्रिशिएटेड फ्रॉम योर सुपरवाइजर और योर हायर अथॉरिटी। सो क्या करना है, कुछ भी काम मिले, छोटा काम मिले बड़ा काम मिले, आपको करना है विथ कॉन्फिडेंस इन अ वेरी ऑर्गेनाइज मैनर। सो गाइज, मैनेजमेंट स्किल और ऑर्गेनाइजिंग स्किल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू बूस्ट अप योर करियर एंड टू गेट योर ड्रीम जॉब। सो फ्रेंड्स, फोर्थ पॉइंट इज डिजिटल स्किल। गाइज, अभी डिजिटल का जमाना है, एवरीथिंग इज बिकमिंग डिजिटलाइज, सो आपको भी डिजिटली काम करना आना चाहिए। हाउ टू डू अ बैंक ट्रांजेक्शन विदाउट गोइंग टू बैंक, आप घर बैठे ऐप इस्तेमाल करके यू कैन पे योर क्लाइंट, यू कैन रिसीव मनी। आप ये ऐप्स यूज करके कुछ भी काम कर सकते हो, यू कैन डू ऑल दैट स्मॉल स्मॉल टेक्निकल वर्क। यहाँ पर टेक्निकल स्किल व डिजिटल स्किल का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको बाहर जाकर कोई मशीनरी ठीक करना पड़ेगा, मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ जो काम स्मार्ट तरीके से डिजिटली कर सकते हो, यू हैव टू लर्न ऑल दिस। बिना बैंक जाइए, ऑल बैंकिंग वर्क यू हैव टू डू इट एट योर होम बाय योर स्मार्टफोन। आपका ऑफिस में जो प्रिंटर है, सपोज प्रिंटर में कैसे आप इस्तेमाल हो सकते हैं, प्रिंटर से प्रिंटिंग कैसे निकल सकते हो, यू हैव टू नो ऑल दिस। एक कंप्यूटर का एप्लीकेशन ऐप्स यूज करना आपको आना चाहिए, मेल करना आना चाहिए, वेबसाइट को देखकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना अपना आना चाहिए, बिकॉज आप सब कुछ मेरे भाई हो रहा है डिजिटल। अगर डिजिटल के टाइम में अगर डिजिटली काम नहीं करोगे सो क्या होगा, यू विल बी सो मच लैग बिहाइंड। सो चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था डिजिटल स्किल, यू हैव टू डू अ कोर्स। अगर नहीं पता है कोई छोटा मोटा कोर्स कर लो, किसी से सीख लो जान लो एंड इम्प्रूव योर डिजिटल स्किल गाइज। फ्रेंड्स, फिफ्थ इंपॉर्टेंट स्किल है दैट इज ऑल अबाउट साइकोलॉजिकल स्किल। साइकोलॉजिकल स्किल का मतलब मन पढ़ना। गाइस, मन के साथ करियर का क्या कनेक्शन है, नाउ आई होप सो यू आर थिंकिंग, बट गाइस रियली देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन, मन का कनेक्शन है काम के ऊपर। क्योंकि अगर आपका क्लाइंट क्या चाह रहा है आपसे, इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हिज साइकोलॉजी यू कांट प्रोवाइड द गुड सर्विस। देयर इज अ सिंपल कनेक्शन इन इकोनॉमिक्स, डिमांड एंड सप्लाई। जैसा डिमांड है आपको वैसा ही सप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, व्हाइल यू आर टॉकिंग विद योर क्लाइंट, व्हाइल यू आर टॉकिंग विद योर कस्टमर, पहले 5 से 10 मिनट डोंट टॉक विथ हिम, जस्ट लिसन टू हिम। उससे बात मत करो, खुद ओपिनियन मत दो, पहले 5 से 10 मिनट आपका ऑपोजिट पर्सन क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं सुनिए, पहले समझिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड हिज साइकोलॉजी, उसका साइकोलॉजी कैसा है। अकॉर्डिंग टू हिज साइकोलॉजी यू हैव टू से देन, पहले 5 से 10 मिनट सुनने के बाद आपका एक आइडिया आ चुका है आपका क्लाइंट आपका कस्टमर क्या मांग रहा है आपसे। सो व्हाट यू हैव टू डू, अकॉर्डिंग टू हिज रिक्वायरमेंट जस्ट से पैसिवली, यस सर आई एम गोइंग टू डू दिस फॉर यू। खुद क्या सोच रहे हो, आपका खुद क्या अच्छा लग रहा है, इट इज नॉट द मैटर, ये बोलने का जरूरत नहीं है भाई। अगर आपको बड़ा बिजनेसमैन बनना है, अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, सो दोस्तों खुद क्या पसंद करते हो, क्या दे सकते हो, दैट इज नॉट द मैटर। मैटर इज जो आपसे मांगा जा रहा है क्या आप वो दे सकते हो। इफ यू आर एबल टू गिव इट देन मीन्स दैट गाइस यू कैन डू इट, यू कैन डू बेस्ट वर्क। सो इसके लिए साइकोलॉजी समझना बहुत जरूरी है। अगर आप साइकोलॉजी नहीं समझ रहे हो दैट इज द बिग प्रॉब्लम। दुनिया में ऐसे बहुत बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो चुके हैं। लेट मी गिव एग्जाम्पल, एक जमाना था नोकिया का, दैट वॉज द बिग मोबाइल कंपनी इन द वर्ल्ड। नोकिया खत्म हो चुका है, क्यों? बिकॉज दे कुड नॉट रीड आउट द साइकोलॉजी ऑफ द कस्टमर। मार्केट का साइकोलॉजी
उन लोगों को समझ भी नहीं आया, दे ओनली फोकस्ड ऑन हार्डवेयर, वेयर एज न्यू मोबाइल कंपनीज लाइक Xiaomi, Vivo, Oppo, दे अंडरस्टूड अभी मार्केट में हार्डवेयर का जमाना नहीं रहा, अभी मार्केट में है सॉफ्टवेयर का जमाना, एंड दे हैव स्नैच्ड द मार्केट फ्रॉम Nokia. ऐसा ही होता है अगर आप साइकोलॉजी नहीं समझोगे क्लाइंट का, अगर आप साइकोलॉजी नहीं समझोगे अबाउट योर ऑपोजिट पर्सन, सो यू कांट प्रोवाइड द बेस्ट आउटफिट. सो गाइस, आज से ये 5 स्किल इंप्रूव करना चालू कर दीजिए. दोस्तों, ये 5 स्किल ही आपको दे सकता है योर ड्रीम करियर, योर ड्रीम जॉब. अगर ये 5 स्किल आपके अंदर है, दैट इज फेयर, उसको और भी ब्रश अप कर लीजिए. अगर नहीं है तो ग्रो अप कर लीजिए, सीख लीजिए. सो दिस विल हेल्प यू आउट टू गेट द बेस्ट अपॉर्चुनिटी इन योर लाइफ. होप सो गाइस, यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो एंड दिस ऑल इन्फॉर्मेशन गोना हेल्प यू आउट इन योर करियर. अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.